कटक एक घर हस्पिटाल ना अंग चोरी अभियोग चिकित्सा ना किडनी चोरी कर अभियोग घटना को नहीं बालीगुड़ा थाना मामला रुजुराई कंधमाल जिला बालीगुड़ा थाना टिकरबाजु गाँव बाबुला दिगाल दुर्घटन मुंडे आघात लगी चिकित्सापी पर लोके प्रथम तुमुड़ीबंध हस्पिटाल पर बालीगुड़ा फुलवाणी एवं ब्रह्मपुर एमकेसीजी बड़ मेडिकल रे भर्ती करा जायतिला। स्वास्थ्यावस्था सुधार न आसिबारु कटक एक घरे हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जायतिला। हॉस्पिटल रे प्रथमे लक्षे दस हजार टंका डिपोजिट पाई कहिथिले। टंका डिपोजिट रो किछि समय पर बाबुला दिगाल को मृत घोषणा करथिले डाक्टर। मृतदेह को आंबुलांस जोगे गाँ को आने समय पर लोके बाबुला मुंड में चिकित्सा बदल तली पेट कटा जा देखा पाई पर लोके ग्रामवासी गाँ मशाणी मृतदेह को कबर देते किंतु पुणी संदेह होबारु परिवार लोके बालीगुड़ा थाना लिखित अभियोग कले। पुलिस एवं मजिस्ट्रेट उपस्थित कबर खोली मृतदेह बाहर करने शव व्यवच्छेद पठाई बालीगुड़ा पुलिस। फुलवाणी को रेफर कले सर आमको ब्रह्मपुर सर ब्रह्मपुर पुणी रेफर कले सर आमको एम्स भुवनेश्वर सर तापर सर से जो प्राइवेट आंबुलांस जाऊला सर पाखे आमको कहले सर जबरदस्त कले सर आम आस आम हस्पिटाल जावा कौन कौन से भल हो भल अपरेसन हो पेसेंट सिलेक्ट अच्छे आम छाड़ीदे गोटे पेपर देक सर कहते निजे गाड़ी खोजीदे सर निजे सब करदे डेट होगा कहते जल्दी नहीं कि जाओ बापा डेट है कहले सर तापर आम हाँ ठीक अच्छे कहीकि सर तापर आम कहूँ सर डिस्चार्ज पेपर दिखुत आम पोस्टमार्टम कर दिखाँ कहलु सर कि किसी करना पोस्टमार्टम किसी करना सर एक्सीडेट होकर हॉस्पिटल निगला हॉस्पिटल निगला सर ताक मुंड आघात होता से हॉस्पिटल निहला कि हॉस्पिटल पेट कटा दि पेट काटी दे तो जी एक्सीडेट मुंडे तो मुंड अपरेसन करवा कथा कहीं पेट काटिदे से आम कल मोड़ पहुँचे पहुँचलामें मानने पुता सब होता समाधि भी देखूँ से जब करुवा डक्टर मान प्रति आक्शन नि जाओ जो पिला जो अनाथ हो जड़े पिला पर भी माँ जड़े से जड़े पिला से कौन कर अनदर सेटा पुनी सबटु बाहर करा है कि ना पुनी मुंडा रे दिया छे से कहले समान कहले पेशेंट हम नहीं पड़े जी को हम इमरजेंसी करथि लु जत पेशेंट आसीला आरटी पेशेंट आसीला एटा अंग टच करिन उसके कैनेटो में दे हिची जत से कॉल टा आसी कि ना पेटे रे बा नहीं अंग रे कुछ मिसिंग अंग रे कुछ चांसेस नहीं सेंति कि अधिक सूचना पाए बालीगुड़ा रिपोर्टर गोपीनाथ मिश्र आम सहित अच्छा गोपीनाथ छठी स्थान को स्थानांतर हेले चिकित्सा पाई किंतु परिवार लोके हठात अभियोग आणुछंती मुंडरे आघात लागिला किंतु ऑपरेशन पेटरे काहेकि देखो राजेश साहब जदि तमाम प्रसंग उपर जदि आलोचना करिवा तबे ए जो घटना आसी कंधमाल जिला बालीगुड़ा थाना सुड्रा पंचायत जो टिकरबाजु गाँव रु जोटा कि बर्तमान सारा अंचल रे गोटे चांचल खेली जाती कि अंग चोरी होता जहां बर्तमान अभियोग आसी एक घर हॉस्पिटल ना रे तबे राजेश साहब घटनाक्रम होती जतेबले कि जो टिकरबाजु ग्राम जो बाबुला दिगाल रही गोटे गाड़ी दुर्घटन मुंडे आघात लगी तबे पर लोक तुमुड़ीबंध देन बालीगुड़ा फुलवाणी मेडिकल चिकित्सा करते जाने भुवनेश्वर एम्स को किंतु भुवनेश्वर एम्स रु जो निकट में किसी दलाल से जहां पर लोक अभियोग कर कटक रर हस्पिटाल को नापी कही कटक रर हस्पिटाल नाला संपृक्त जो रही घर हस्पिटाल एक लक्ष टा जमा करते पर लोक जमा करते किंतु दुई दिन पर जिते ऑपरेशन हम बोली कही समय जो मुंडर अस्त्रोपचार तेज पांच मिनिट समय पर जो अस्त्रोपचार शेष होता सफल होती अस्त्रोपचार घर जो हॉस्पिटल पक्षर सूचना दिया किंतु जिते कि अस्त्रोपचार शेष होता पांच मिनिट पर पुनश्च कर्तृपक्ष पक्षर सूचना दिया परिवार वर्ग को कि मृत्यु होती तबे राजेश साहब एटी गोटे जहां परिवार लोक जो अभियोग करते मृत्यु होता गोटे अलग पुणी जो कटक अलग घर मेडिकल रो आंबुलांस जोगे से मृत शरीर को जो कंधमाल जिला जो रही बालीगुड़ा थाना जो टिकरबाजु गांव को फेर नाप बंदोबस्त कर परिवार लोक कहते मृतदेह ना हॉस्पिटल कर्तृपक्ष फेर हॉस्पिटल कर्तृपक्ष जिते कि मृत होता बाबुला दिगाल जो चिकित्सा दिन अवस्था जो मृत होता सफल अस्त्रोपचार होता कथा मेडिकल कही परवर्त समय जिते कही किंतु मेडिकल कर्तृपक्ष को परिवार लोक जहां अभियोग कर शव व्यवच्छेद करने भी कही किंतु से मना करदनुजाई पर लोक तो आनी कि
ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତଳି ପେଟ କଟା ହେଇଥିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଳି ପେଟ କାହିଁକି କଟାଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏନେଇକି ବାଲିଗୁଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବାଲିଗୁଡା ଥାନାରେ। ତଦନ୍ତ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି, କେମିତି ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇ ଯାଇଛି କି ମୃତଦେହ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିଗୁଡା ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ କବରରୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଗୁଡା ମେଡିକାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯୋଉ ମୃତଦେହ ଅଣା ହେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ଯାହା ବାଲିଗୁଡା ଥାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ବାହାନରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ଅପରେସନ୍ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାହା ସତ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର ଗୋପୀନାଥ ମିଶ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।